2024 से 2031 के बीच 2 क्रिकेट विश्व कप और 4 T20 विश्व कप खेले जाएंगे। दुनिया भर के 17 क्रिकेटिंग देशों ने इसके लिए मेजबानी की पेशकश की है। ICC क्रिकेट विश्व कप को होस्ट करने की बात कहने की हिमाकत शायद ही दुनिया भर के ये देश कर पाते, अगर 83 विश्व कप के बाद राजीव गांधी के एक मंत्री ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने की नहीं ठानी होती। साल 1983 प्रूडेंशियल विश्व कप, इंग्लैंड की सरजमी पर भारत वेस्टइंडीज के साथ विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया था। इंग्लैंड बुरी तरह से जला बैठा था। खैर, 83 का विश्व कप फाइनल देखने के लिए भारत से कई लोगों को लॉर्ड्स आने का न्योता भेजा गया। इन्हीं कई लोगों में एक थे नरेंद्र कुमार सालवे, उस वक्त के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, ICC मेंबर और भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर। सालवे से BCCI के बाकी सदस्यों और कुछ अन्य लोगों ने मैच के कुछ टिकट पास मांगे। सालवे ने भी उम्मीद के साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कुछ और टिकट की मांग कर दी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ सालवे को एक्स्ट्रा टिकट देने से इनकार कर दिया। अब सालवे चुपचाप बैठकर वो मैच तो देख ही रहे थे, लेकिन मन ही मन एक टीस थी, उनके मन में कुछ तो चल ही रहा था। भारत विश्व कप जीत गया, कपिल देव ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक ट्रॉफी उठाई। इसके बाद BCCI प्रेसिडेंट सालवे के ब्रदर इन लॉ ने लंच रखा। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम, BCCI अधिकारी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख एयर मार्शल नूर खान को भी न्योता भेजा गया। सब खाना खा रहे थे, लेकिन इस खुशी के पल में भी सालवे को एक बात चुभ रही थी, आखिर क्यों अंग्रेजों ने मुझे फाइनल मैच के पास देने से इनकार कर दिया। लंच की टेबल पर सालवे ने PCB प्रमुख से बात शुरू की और नूर खान से कहा, काश भारत में भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट होते। सालवे की बात सुन नूर खान समझ गए कि सालवे को ECB का रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी सालवे की बात पर ऐसा ही जवाब दिया जैसा वो भी मन ही मन इमरान खान को अपने देश में विश्व कप खेलते देखना चाहते हों। नूर खान ने कहा, हम वर्ल्ड कप अपने देश में क्यों नहीं खेल सकते। बस सालवे समझ गए, भले ही बंटवारा हो गया, लेकिन इस लंच टेबल की तरह ही क्रिकेट में भी हम मिलकर दुनिया को अपने क्रिकेट की ताकत दिखा सकते हैं। सालवे ने तुरंत नूर खान के सामने एक पेशकश रख दी। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान मिलकर अगर वर्ल्ड कप का आयोजन करें तो कैसा रहेगा। नूर खान सोच में पड़ गए, क्योंकि ये बात जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतनी आसान है नहीं। सबसे पहली चीज तो ये कि ICC ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो पावर दिया हुआ है। ऐसे में इंग्लैंड से विश्व कप को बाहर लाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सालवे भी जिद्दी थे, वे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सालवे ने एक स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्डों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई। सालवे BCCI अध्यक्ष चुने गए। उस वक्त BCCI के कोषाध्यक्ष जगमोहन डालमिया हुआ करते थे। उनके साथ मिलकर ICC को अपने पक्ष में करने का एक शानदार तरीका निकाला गया। डालमिया ने पता लगाया कि ICC के कुल सदस्य देश 28 हैं। इनमें से सिर्फ 7 देश टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 21 देशों को टेस्ट खेलने का दर्जा ही नहीं मिला हुआ है। बस सालवे और BCCI ने इन्हीं टेस्ट न खेलने वाले देशों को अपने पक्ष में करने की तैयारी शुरू कर दी। प्लान बनाया कि वो टेस्ट खेलने तथा टेस्ट न खेलने वाले देशों को इंग्लैंड से अधिक राशि देंगे। अधिक राशि कुछ सिक्कों में नहीं होगी। BCCI ने तय किया कि टेस्ट खेलने वालों को इंग्लैंड से करीब 4 गुना ज़्यादा और वहीं टेस्ट ना खेलने वालों को 5 गुना ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। ICC ये सुनते ही सोच में पड़ गया। वो BCCI की इस पेशकश से हैरान भी था। ICC ही नहीं, BCCI के सामने भी उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। भारत उस वक्त क्रिकेट का सुपर पावर नहीं था, ना ही हमारे पास इतना पैसा था कि विश्व कप स्तर के टूर्नामेंट को सिर्फ बोर्ड के दम पर करवाया जा सके। ऐसे में BCCI ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों से बात शुरू की। इनमें हिंदुजा ग्रुप, कोका कोला, जिलेट जैसी कंपनियाँ शामिल थी। बोली लगी 37 लाख के आसपास, लेकिन ये पैसे काफ़ी नहीं थे, क्योंकि BCCI को तो लगभग 4 करोड़ की ज़रूरत थी। यहाँ एंट्री हुई धीरूभाई अंबानी की। उनकी टेक्सटाइल कंपनी रिलायंस ने BCCI की मदद की। धीरूभाई के छोटे बेटे यानी अनिल अंबानी ने रिलायंस की तरफ से उस प्रोजेक्ट को लीड किया। साथ ही ये शर्त भी रखी कि अगर भारत में विश्व कप होता है तो रिलायंस उसे स्पॉन्सर करेगा। BCCI ये शर्त मान गया और अनिल अंबानी ने बोर्ड को लगभग 2.2 मिलियन पाउंड दे दिए। इसके बाद BCCI और PCB ने साथ आकर ICC को विश्व कप आयोजन के लिए ये प्रस्ताव पेश कर दिया और विश्व कप आयोजन की वोटिंग को 16-12 से जीत लिया।
विश्व कप की भारत में एंट्री तय हो गई थी। जैसे ही विश्व कप बड़ा होने लगा, कई और स्पॉन्सर्स ने बीसीसीआई को अप्रोच किया, लेकिन उस वक्त साल्वे ने ये कहते हुए बाकी सभी स्पॉन्सर्स को इनकार कर दिया कि जब हमें ज़रूरत थी तो रिलायंस ने हमारी मदद की, अब रिलायंस के अलावा हम किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। 1987 में खेला गया ये विश्व कप इतना सफल हुआ कि इसके बाद दुनिया भर के सभी कॉन्टिनेंट्स में विश्व कप होने की संभावना बढ़ गई। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने, शुक्रिया।